नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। विरोध के नाम पर उठ रही आवाज अब उपद्रव का रूप ले चुकी है। अग्निपथ योजना की आग ने बिहार को अपने साथ ले लिया है। बिहार में इस योजना के खिलाफ युवाओं का आक्रोश किस हिसाब से बढ़ गया है, इसका अंदाजा बिहार की धधकती 14 से ज्यादा ट्रेनों को देखकर या फिर चौक चौराहों पर टूटे बसों और गाड़ियों के शीशों को देखकर आप लगा सकते हैं। इसी बीच बढ़ते उपद्रव के मद्देनजर सरकार ने और ज्यादा सख्ती दिखाई है, जिसके तहत ही बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के कई जिलों में इंटरनेट और टेलीफोन मोबाइल सेवा को बंद कर दिया है और ये सेवा अगले 48 घंटों तक बंद रहने वाली है। वहीं जिन जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है उसमें कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण जिले का नाम शामिल है। इस उपद्रव की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पहला मौका है जब सरकार ने एक साथ बिहार के कई जिलों में इंटरनेट और टेलीफोन मोबाइल सेवा को बंद करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब एक साथ 12 जिलों में इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल सेवा के साथ साथ सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद रहेंगी। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में जारी उपद्रव को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा निर्णय ले लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, क्यूक्यू, वीचैट, क्यूजोन, ट्यूबलर, गूगल प्लस, वाइडू, स्काइप, वीवर, लाइन, स्नैपचैट, पिंट्रेस्ट, टेलीग्राम, रेडिट, यूट्यूब, अपलोड समेत कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 12 जिलों में 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस योजना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया गया है और ये बंद इसीलिए भी ज्यादा उत्तेजित करने वाला है क्योंकि इसको राजद, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सहित कई अन्य पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया है। इसके लिए ही लोगों से सहयोग की अपील भी की गई थी। वहीं बीते 3 दिनों से बिहार के विभिन्न जिलों में जारी विरोध को देखते हुए ही शनिवार को प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया गया। सुबह से कई ट्रेनें भी कैंसिल की गई। वहीं आपको बता दें कि पहले 12 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, लेकिन इसके बाद 3 अन्य जिलों में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिसमें मोतिहारी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों का प्रदर्शन बिहार में और उग्र रूप ले चुका है। राज्य के अलग अलग जिलों में छात्र हिंसक घटना को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में भारी उपद्रव मचाया गया। इतना ही नहीं, विरोध की आंधी इतनी तीव्र है कि बड़े बड़े नेताओं के आवास को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये विरोध कब थमेगा और सरकार क्यों मौन खड़ी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।